और भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से शराबबंदी की मांग की है। साध्वी ने कहा कि शराब से घर टूट रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है, शराब को प्रदेश में बंद कर देना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, अधिक मात्रा में शराब लेना जहर के समान है, कम मात्रा में सेवन करना अमृत के समान। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेसी भगवा को पहले ही आतंकी कहकर पाप ले चुके हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनने के लिए बीजेपी के लोग आगे बढ़ रहे हैं। शराब बंद होना ही चाहिए। मैं खुल करके शराब विक्रय का विरोध करती हूँ और जिससे हमारा समाज अधोगति की ओर जाए, जिससे हमारे परिवार क्लेश में रहे, युवावस्था में पुत्र चला जाता है तो पिता और माता को कितना कष्ट होता होगा, बहनों को कितना कष्ट होता होगा, पत्नी को कितना कष्ट होता होगा, ये हम सब समझते हैं। किसियों को और पूरे कांग्रेस के लोगों को ये शर्म आनी चाहिए कि एक तो तुम सन्यासी के घर गए, उनको शराब भेंट करने गए, तुम्हारी समझ में ये नहीं आता कि तुम समाज के वो कोण हो जो बुराई का साथ दे करके और समाज को अधोगति की ओर लेकर के जाते हो और लोगों को मरने के लिए मजबूर करते हो। ऐसे कांग्रेस की विधर्मी मानसिकता, ऐसे कांग्रेस की अनैतिक मानसिकता और ऐसे कांग्रेस की समाज विरोधी मानसिकता का मैं विरोध करती हूँ। तो आतंकवाद कहकर के तुमने जो पाप किया है उसको तुम्हें जन्म और जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा और कभी भी तुम देशभक्त और धर्मी कभी बन ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।